अष्टोत्तर सतिमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, प्रपूज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज, नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग चैतन्य चैतामृत ग्रंथ से 18 अध्याय से हम अध्ययन कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कैसे वृंदावन में पधार कर वृंदावन के कैसे दर्शन किया, और विशेष करके आज प्रातःकाल में हम लोग भी श्रवण कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन देखी प्रभु प्रमाविष्ट हया, नाचिते नाचिते चलिला श्लोक पड़िया, हंताय अद्रीय बला हरिदास वर्जो, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानं तनति सह गोप गणैस्तयोर्ज, पानीय सुजवश कंदर कंद मूलैर। इसी कथा को संग श्रीमती राधिका अपने मुखारविंद से ही बखान कर रहे हैं, ये किस प्रकार गिरिराज गोवर्धन सेवा आदि करते हैं। हम लोग भी श्रवण किया जिस श्रीमद् भागवत में तीन हरिदास के बारे में कहा गया, पहला युधिष्ठिर महाराज, दूसरी उद्धव और तीसरी गिरिराज गोवर्धन। इसी प्रसंग में श्रील गुरुदेव बहुत सुंदर रूप में प्रवचन दिया था, उसी कथा को इस चैतन्य चैतामृत के अमृत कणा कणिका भाष्य में वर्णन होते जा रहे हैं। ये किस प्रकार बद्ध जीव, अधिकांश बद्ध जीव मायादास है, हरि होता है हरिदास और दूसरी होता है मायादास। यदि अधिकांश बद्ध जीव मायादास है, मायादास अर्थात यह शरीर और धन पुत्र जन परिवार जितनी आसक्ति की वस्तुएं हैं उसके प्रति चित्त का लगना ही मायादासत्व है। संसार में बद्ध होने तक कुछ न कुछ रूप में यह अवश्य ही रहेगा। यदि जीव साधु अथवा गुरु कृपा प्राप्त कर पा लेता है तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज है। गुरु और कृष्ण के कृपा से क्या मिलता है, वो क्या है, बीज। वो बीज क्या है, भक्ति लता बीज की तात्पर्य कृष्ण सेवा वासना। क्या बताया, वासना वासना कृष्ण सेवा वासना इच्छा, कृष्ण सेवा करके इच्छा। बद्ध जीव के कृष्ण सेवा की इच्छा नहीं रहता है, बद्ध जीव की इच्छा है क्या, माया की सेवा करें, और माया उसके दिन रात पिटाई करते रहे। अशेष माया में मगन ना हो देश मात्र रोती ना जन्मेला। देखो आप कितने सुंदर बोल रहे हो, वैष्णव के चरण में गुरु के चरण में रत्ती भर भी थोड़ा सा भी प्रति नहीं हुआ, लेस मात्र नहीं, और अशेष माया के मन मगन हो, माया में हमारे मगन हो। जो पिटाई करता है उसके ही हम चरण पकड़ के रहते हैं, माया से पिशाच, गले पांच दीदी से माया से पिशाच।
हाँ विषय भूलिया होइनु अंध दीवान से बस अंध हो गया माया से। हाँ इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, किंतु इस प्रकार संसार में भ्रमण करते करते अत्यंत सौभाग्यवान जीव और गुरु और भगवान की कृपा से वो भक्तिलता बीज प्राप्त करते हैं। भक्तिलता बीज क्या बताया? कृष्ण सेवा वासना, कृष्ण सेवा वासना, माया सेवा वासना छोड़ करके कृष्ण सेवा वासना आएगा है। इसलिए यहाँ पर भी कार्य हैं, हरिदास बनने के लिए पहला चरण है गुरुदास, क्योंकि यहाँ पर हरिदास वर्ज्य है, श्रेष्ठ हरिदास गिरिराज गोवर्धन के लिए कार्य हैं। किंतु हरिदास होने के लिए पहले क्या होना चाहिए? गुरुदास है। गुरुदास तो एक ही है, किंतु भक्ति के भगवान के विषय में तारतम्य के विविध नाम दिए गए हैं है। प्रथम है क्या? शिष्य ब्रुव कहा जाता है। ब्रुव माने ब्रुव शब्द लिखा गया संस्कृत में, कहा जाता है माने दिखावटी, ब्रुव शब्द होता है संस्कृत में, जिसे कहते हैं शिष्य ब्रुव। शिष्य नहीं है, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि कमाते हैं, उसी शिष्य के कहा जाता है शिष्य ब्रुव कहा जाता है। आज ये संस्कृत शब्द है, क्या बोला? शिष्य ब्रुव है, हाँ शिष्य ब्रुव, बी आर यू बी बी ब्रू बी के बाद ब दोनों, हाँ शिष्य ब्रू ब माने शिष्य नहीं है, लोग दिखाने के लिए ले लेते हैं, कहते हैं इस शिष्य से दीक्षा आदि ले तो मेरा धन प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा बहुत मिलेगा। गुरु के सेवा नहीं करते ना, गुरु के साथ कई संबंध रखते हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं, मैं जहाँ पर पढ़ रहा हूँ जो ऐसे लिखा है ऐसे भी पढ़ते जा रहा हूँ, मैं अपने कुछ अपने कमेंट्री बा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप समझिए केवल आपके हिंदी में जो लिखा है उसको मैं कह रहा हूँ है। इस ग्रंथों का पढ़ना, ये चैतन्य चरितामृतम ये गुरुदेव के लेक्चर है, गुरुदेव की कथा ही जो है ये दिए हैं इसमें, इसलिए गुरुदेव जो शब्द लिखा हमारे प्रभु जी वही शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया है। गुरुदेव की हिंदी कथा जो है लेक्चर जो है करी आज से बहुत साल पहले गुरुदेव यही हरिदास ओवर्ज इसी श्लोक के ऊपर गुरुदेव जो लेक्चर दिया था, हरि कथा बोला था, उसी कथा को जो है हमारे शिला क्या नाम वो वृंदावन में जो रहते हैं नो जो इन चरित्र चैतन्य चरितामृत के जिन्होंने परमेश्वर थोड़ी लिखा है, कौन चैतन्य चरितामृत लिख प्रकाश किया ये वाला हिंदी वाला गुरुदेव का ये भी तुम्हें पता नहीं, तबीयत खराब है उन्होंने जो लिखा गया है उसी श्लोक यहाँ पर किया गया है। गुरुदास तो एक ही है, किंतु भक्ति की भावना के या विषयों की तारतम्य से उनके विविध नाम दिए गए हैं। प्रथम है क्या? शिष्य ब्रुव, क्या बोला शब्द? क्या ब्रुव क्या है आप बताओ? गोकुल चंद्र प्रभु है, गोकुल चंद्र प्रभु जी ने
उसी लेक्चर के जो है यही ग्रंथ में दिया और उसका रिकॉर्ड भी है एक बार बिल्कुल एज इट इज है, उसमें कोई जैसे गुरुदेव जो भाषा शब्द बोले जो कुछ बोले है, उन्होंने एक एक शब्द के एक एक अक्षर को यहाँ पर दे दिया है, जिससे मैं भी उनके मिलता, मैंने कहा बहुत अच्छा ये देना उचित है गुरुदेव के लेक्चर जो है। अच्छा पहले कहा जाता क्या शिष्य ब्रुव, इसके बाद तामसिक गुरुदास, तीसरी क्या है राजसिक गुरुदास, चौथी है सात्विक गुरुदास, पांचवा क्या है निर्गुण गुरुदास, और इसमें भी निर्गुण गुरुदास में भी मध्य कनिष्ठ मध्यम उत्तम दास का भेद दिखाया गया। इन विषय में वे निर्गुण दास सबसे उत्तम है और इसमें भी ऊपर स्तर होने पर कृष्णदास बनता है, तो है कृष्णदास बनना इतने सहज नहीं है। हम तो कहते हैं जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, है तो स्वरूपता किंतु बद्ध दशा में कृष्णदास होना इतना सहज नहीं है। एन अल्पभाग्य दास नहीं करण भगवान, दास है नो नामनीय, दास हो जाना इतने सहज नहीं है, है इसलिए कहते हैं ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी दास होने के लिए कितना कठोर तपस्या आदि करते हैं। इसलिए मेरा गुरुदेव श्री बामन गोस्वामी महाराज एक बात बोलते थे है, वैष्णव होई ते छिलो मोर साध, क्या बोला साध साध, वैष्णव होई ते छिलो मोर साध त्रिनादपि सुनिच श्लोकेर पड़े गेलो बाद, तात्पर्य जी है बंगला भाषा है कि मैं जब वैष्णव के महिमा श्रवण किया तो मेरा लगता है मैं एक दिन वैष्णव बनूं, किंतु जब महाप्रभु की ये शिक्षाष्ट की थर्ड श्लोक जब पढ़ता हूँ तब देखता हूँ तो मुझे मेरा कभी वैष्णव बनना संभव नहीं है। वैष्णव वही बन सकता है कौन इतना भी सुनिच, इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे दैना करके बामन गोस्वामी महाराज हैं वैष्णव होते छिलो मोर साध त्रिनाथ भी श्लोके पड़े गलो बाद, बाद मने बाधा आ गया हैं मेरे द्वारा कोई संभव नहीं होगा, इनके दैना इसलिए वैष्णव बनना इतने सहज थोड़ी है। यहाँ पर भी करें ये कृष्णदास उपरोक्त प्रकार के गुरुदास को विभिन्न लक्षणों को और गुणों के द्वारा उदाहरण के साथ संक्षेप में इस प्रकार है। पहले क्या बताया गया क्या बोला भूल गया, आप तो लिखा ही नहीं है नोटबुक है लिखो क्या बोला शिष्य ब्रुव, हाँ शिष्य ब्रुव किसको कहते हैं, यथार्थ तो कोई गुरुदेव का ऐसी संबंध नहीं है, केवल लोग दिखाने के लिए वा लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए गुरु से केवल एक मंत्र ले लिया ढंग रचा समझते हैं ना, देखा इस गुरु के पास बहुत धन है, इस गुरु के पास बहुत लोक है, चहल महल मच रहे हैं है? तो इस गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेने से मेरा आगे जाकर के नाम होगा प्रतिष्ठा मिलेगा है, अथवा इस गुरु के पास अनेक धनी धनी लोग आते हैं उसके टेलीफोन नंबर ये नंबर लेकर के मैं अपने आप क्या बना लूँ मेरा है बात बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गुरु के नाम पर अनेक पैसा कमा लेंगे, ऐसे करते हैं, मैं किसी को निंदा नहीं करूं, करते हैं ऐसे लोग हैं, आज समझ में गुरु के थोड़ी पता है हैं, पता तो एक दिन लग जाएगा किंतु वो क्या सोचते हैं, ये इस प्रकार जो बड़े बड़े धनी हैं गुरु के नाम पर पैसा कमा लेंगे हैं, आज समझें बोले और गुरुदेव कहते ये तो बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार जो है यह पर कह रहे हैं
यथार्थ गुरु के अनुगत्य स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो, बार ना करते हैं है? आ समझ में। मैं भी जीवन में बहुत देखा, पीछे आमने सामने घूमने वाले ऐसे देखा है, किंतु सावधान, यहाँ से साधु सावधान है, कहाँ जाओगे तुम आ? तो इसी प्रकार कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं किसी को अथवा किसी को मारने के लिए है, बा किसके स्पर्धा करने के लिए, किसी से ईर्ष्या करने के लिए तामसिक भावनाओं को लेकर वह कपटतापूर्वक गुरु पदाश्रय करता है। आसन उसकी कहते हैं गुरु ब्रुवक, किसको कह रहे हैं ये सारे गुरु ब्रुवक ही शब्द कपटता के साथ गुरु चरण करते हैं है। वह गुरु की सेवा न कर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरु का संग करता है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। हम लोग गुरुदेव के समय भी देखा बहुत, नाम तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जो जानते हैं जानते हैं है, सारा पृथ्वी भ्रमण कर लिया है, नाम भी कमा लिया, और फिर गुरु के छोड़ करके दूसरे जगह में चले जाते हैं, बोले नाम तो कमा लिया। तो इसी प्रकार स्वार्थ सिद्धि के लिए गुरु का संग करता है। इसका उदाहरण क्या है, एकलव्य, क्या नाम बताया, एकलव्य के नाम सुना है आपने, इसके उदाहरण दे रहे हैं। ये विश्व अतीब श्रवण करना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए, यदि समझ में नहीं आए बार बार मैं बताते रहूँगा, क्योंकि ये हमारी अतीब जरूरी है, आपके लिए हमारे लिए सबके लिए ही है। और ऐसे लोगों के लोग से जहाँ तक हम दूरी बजाए रखें है, बस में लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है, कीप डिस्टेंस, तो इंग्लिश बोल दिया, मत इंग्लिश आता है नहीं, क्या बोले क्या बोले, हाँ कृपया उचित दूरी बनाए रखें है। आ समझ में नहीं है, सब जगह लिखा, हाँ आइए इस कथा में इसके उदाहरण दे रहे हैं गुरु ब्रह्म। अभी गुरु ब्रह्म के शब्द में समझ में आया कि नहीं आया, हाँ वही तो कथा भी आएगा, कथा भी अभी कथा तो आएगी जी। पहले अभी हम श्रवण करें ये गुरु ब्रह्म शब्द की अर्थ क्या है, ये संस्कृत शब्द है, दिखाना एक करना एक, छल कपट है। इसकी कथा इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं गुरुदेव, ये द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों को शिक्षा देते थे, अस्त्र शिक्षा आदि देते थे, इस प्रकार उनके 105 शिष्य थे, वे समान रूप में सबको सिखलाते थे, किंतु फिर भी अर्जुन के प्रति उनके प्रति अधिक थी, किसका, क्यों ना, अर्जुन भगवत भक्त थे और सब गुण है भाई, जिसके प्रति गुण हो, केवल गुण सबसे बड़ी गुण क्या है, आपकी आप विद्वान हो, बहुत श्लोक बोलने वाले हो है, बा अनेक गुण है, किंतु यदि एक गुण नहीं रहे तो सारे गुण क्या है, व्यर्थ है। वो कौन सा गुण है, यदि भगवत भक्ति ना रहे है, जिससे श्रीमद् भागवत में भी वर्णन होते जा रहे, एक रमणीय स्त्रियों के यदि अनेक अलंकार के द्वारा सुसज्जित कर दिया जाए तो देखने में सुंदर होगी, ये ठीक है, किंतु वही रमणी व स्त्री यदि मर जाए, माने शरीर छोड़ दे, आत्मा चली जाए, और अनेकों वस्त्र आदि अलंकार आदि सजा दिया जाए, वो क्या होगा, व्यर्थ है वो, थोड़ी बाद में उसके सारे शरीर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, दुर्गंध आएगा है, आएगी कि नहीं आएगी है। ठीक उसी प्रकार किसी को यदि 26 गुणों में 26 गुण में एक गुण के छोड़ करके 25 गुण भी रहे है, तथापि उसको मना नहीं जाएगा। सबसे गुण क्या है, वैष्णव के क्या, शरणागति, भगवत शरणागति, वही भगवत भक्ति है, वास्तव में है। आ समझे, 26 गुण में 25 गुण भी रहे हैं, कृपालु अकृत्य सत्य समसार बदान्नो कोवि दक्ष मौनी, और सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है, सर्वोत्तम गुण क्या है,
गुरु और भगवान के प्रति शरणापत्ति अनकंडीशनल सरेंडर वही है, समझ में आ रहे? यदि वो गुण नहीं रहे, भगवत भक्ति नहीं रहे, बेकार है। किंतु एकलव्य के कारण अर्जुन के क्यों पितृ करते थे ना, अर्जुन में यही विशेष गुण था। सब गुण तो है ही, किंतु तथापि अर्जुन के विशेष है वो भगवत भक्त थे। और कुछ भी आपके गुण नहीं रहे, यदि आपके गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, भगवत भक्ति रहे, तो आप जगत पूज्य हो जाओ। एकलव्य और अच्छा, एकलव्य जो बहेलिय का सरदार का पुत्र था, उनके पिता के नाम था क्या नाम, क्या, जस्ट आई फॉरगेट द नेम, नहीं वो बहेलिय था, शिकारी था वो, उसका पुत्र था वो, हिरण्यधनु है लिखा है ना, इंटरनेट में मिलेगा आप देख लो, हिरण्यधनु था वो, हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य था। वो स्वभाव में बहुत नीच वृत्ति था वो, एक तो नीच जाति और फिर स्वभाव भी उसी प्रकार ही है। भगवान गीता में कहते नहीं, वर्ण आश्रम तो उसी प्रकार होता है, उनकी स्वभाव के अनुसार गुण है। चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्म के अनुसार ही भगवान उसके दे। और देखो उनके एक तो कर्म ही था नीच कर्म, शिकार करना, पशु के हत्या करना, बहेलिया थे वो, और दूसरी वो क्रूर स्वभाव के थे, दुष्ट प्रकृति के था, और वह नास्तिक और विद्वेषी स्वभाव का था। शास्त्र में कहा गया है कि दंडवत उत्तम कुल में, उत्तम कुल के सदाचारी व्यक्ति को शिष्य में ग्रहण करना चाहिए। पहले पहले ऐसी विधि था, जहाँ तहाँ आकर के गुरु दीक्षा नहीं देते थे, उसके पूछते थे भाई तुम कहाँ है, तुम्हारी परिचय क्या है, किन, तथापि धीरे धीरे काल क्रम से फिर, और बात तो दूसरी बात है, फिर भागवत के अनुसार भी दिखाते हैं सभी तो जीव के दास ही है। बोले एक पर्स मणि के द्वारा यदि लोहा यदि सोना बन जाए तो गुरु के कृपा से भी बनना असंभव क्या है उसमें, किसी कुल में हो उसमें कोई नहीं है। तो इसमें भागवत आदि शास्त्र भी प्रमाण दिया गया, अनेकों प्रमाण है, यहाँ पर भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी गुरुदेव कह रहे हैं, ये शास्त्र में कहा गया है कि गुरु को उत्तम कुल के सदाचारी व्यक्ति को शिष्य में, शिष्य रूप में ग्रहण करना चाहिए। निम्न कुल का व्यक्ति जिसका चरित्र और आचरण ठीक नहीं है, अथवा जिसके कुल का पता नहीं है, या माता पिता का पता नहीं है, ऐसे लोगों को दीक्षा देना नहीं चाहिए, ये भी शास्त्र में लिखा है। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आया और कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप कृपया मुझे भी शिक्षा प्रदान करें। कोई वास्त इसमें जो कह रहे मैं शरण में आया हूँ, वास्तव शरण में आया कि नहीं, नहीं, वो क्रूर है, छल है, कपट रूप से कह रहे हैं। द्रोणाचार्य ने पूछा, कहाँ रहते हो, किसके पुत्र हो, किस लिए इस धनुष विद्या लेना चाहते हो? एकलव्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। द्रोणाचार्य के अनेक बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। एकलव्य की दुर्योधन से मिलता थी वो, उनके साथ मित्रता था, भाई दुष्ट लोग के साथ ही वो मित्रता करते हैं, जो जैसे व्यक्ति होते हैं, जो जैसे स्वभाव वाले हैं, ऐसे स्वभाव वाले लोगों के साथ वो मित्रता करना चाहते हैं, वो अपने आप मिल जाएगा।
जो गांजा भांग खाते हैं ना वो खुद वो ढूंढता रहता है, है? ये कहाँ कहाँ लोग कहाँ मिलता है क्या करता है वो अपने आप पता लगाते हैं और धीरे 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 उसके पास बैठते हैं। देखो हम लोग जब ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, नवद्वीप जाते हैं तो सोचते हैं कुछ साधु ऐसे मिल जाते हैं, कहते हैं पहले कहते हैं आपके पास मैचिस है, बोले हमारे पास हमारे मैचिस क्या रखेंगे, फिर हाथ से ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं वो है गांजा है, कोई नहीं रही ऐसे, मैंने जो जैसे प्रकार है वो सोचता है हमारे भांति ये साधु होगा शायद, आप समझते ना कि जो जैसे है वो ऐसे ही हो जाता है, है? आ समझ में नहीं कि सब साधु एक नहीं समझता है। ठीक उसी प्रकार है? वो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो गुरु से बोले हमें दीक्षा ये दिलाइए, ये धनुष विद्या दीजिए। उनके कार्य उद्देश्य क्या था? एकलव्य की जो धनुष विद्या द्रोणाचार्य से लेने के तात्पर्य क्या था, उद्देश्य क्या था? ना अर्जुन का जो है नीचा दिखा लाना, यही चाहता था। वो चाहते थे अर्जुन से मैं बड़ा हो जाऊं। कहाँ अर्जुन भगवत भक्त, कहाँ वो दुष्ट क्रूर है। गुरु तो सर्वज्ञ है, द्रोणाचार्य जान गए कि यह शिक्षा लेकर ईर्ष्यावश जगत को ध्वंस करेगा, इसलिए उन्होंने एकलव्य के कहा मेरे आश्रम में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है, मैं तो केवल राजकुमारों का शिक्षा देता हूँ, जिसका शील आचार विचार ठीक है, मैं दूसरों को ग्रहण नहीं करता। एकलव्य बड़े दुखी होकर वहाँ से चला गया और देखो वन में जाकर अपने द्रोणाचार्य के एक मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली है, और मूर्ति से अपने आप धनुर्विद्या सीखने लग गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के लेकर के जंगल में गए है? देखा क्या, एक कुत्ता जो है पहले भूख रहा था, बहु 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 शब्द आने लगे। कुछ समय के बाद द्रोणाचार्य और ये सब देखा वो कुत्ते के मुंह में तो तीर है किंतु खून नहीं निकल रहा है, जस यहीं पर लगा हुआ है, है? और कुत्ता बिल्कुल शांत है। द्रोणाचार्य और देख करके है बहुत आश्चर्य हो गया, थोड़ा आगे बढ़े, देखा क्या एक विशाल का शरीर, काला शरीर है, और वो खड़े हुए हैं। उसको देख करके द्रोणाचार्य कहने लगे तुम कौन हो? तब वो दंडवत प्रणाम करके बोले गुरुदेव मैं आपके शिष्य, नाम क्या? एकलव्य। अच्छा, द्रोणाचार्य उनके कुटिया में गए, ले गए उनके कुटिया में है, माने एकलव्य उनके गुरुदेव के ले गए, बैठाया, देखा क्या उस कुटिया में गुरुदेव के मूर्ति, मृण्मय मिट्टी के मूर्ति भी बनाए हैं। अच्छा, एकलव्य से द्रोणाचार्य ने पूछा अच्छा तुम ये बताओ ये धनुष विद्या तुम कहाँ से सीखा? मैं तुमको तो सिखाया नहीं, मेरे याद है तुम आए थे सीखने के लिए, मैं तुमको तो माना कर दिया, तुम ऐसे विद्या कहाँ से सीखा? तब उस समय उन्होंने कहा गुरुदेव आपके प्रतिमूर्ति को रख करके ही, आपके गुरु मान करके मैं स्वयं विद्या को अभ्यास किया है। इसलिए हमारे प्रभुपाद दो शब्द बोलते हैं, एक दो प्रकार के विचार कहा जाता है, एक है आरोहवाद और एक अवरोहवाद है। इसके बारे में कई बार हम भी श्रवण करते हैं और ये माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इसके भी बहुत विवरण भी दिया गया, आरोहवाद किसको कहते हैं, अवरोहवाद किसको कहते हैं है? जो अपने
चेष्टा से नहीं, जो गुरुपाद की कृपा और वेद विहित शास्त्र फिर गुरु में संपूर्ण रूप से समर्पित होकर के चेष्टा आदि के द्वारा जो विद्या अभ्यास करते हैं उसी की कहा जाता है अवरोहवाद। आरोहवाद किसको कहते हैं? गुरु आदि के छोड़ करके अपने चेष्टा है, वेद पुराण उपनिषद के छोड़ करके अपने ऊपर उठना चढ़ना चाहते हैं वो कहा जाता है, उसके कहा जाता है आरोहवाद कहा जाता है। जिससे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्या बोले, पेड़ न चढ़िया डाल फल धरे करे टाना टानी, माने पेड़ में नहीं चढ़ करके ऊपर से जो है वो फल को तोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, है वो ठीक नहीं है, है गुरु सेवा आदि करके है और गुरु की कृपा प्राप्त करके वो वस्तु का हम प्राप्ति करें। किंतु एक लब्बन ने क्या की है, ये अवरोहवाद को त्याग देख करके आरोहवाद के ऊपर चलने लगे है। वेद पुराण उपनिषद नियम के अनुशासन के नहीं चल रहा, माना नहीं हो, अपने संग सोचने लगे मैं ही प्राप्त कर लूं। किंतु कभी कभी तो प्राप्त कर लेते हैं, उसके फल क्या होता है, है? उसके फल अत्यंत जो है दोषनीय होता है, दुखदायी होता है। इसलिए कह रहे हैं अच्छा द्रोणाचार्य ने कहा तुम मुझे गुरु मानते हो? नहीं, हाँ इसलिए आपसे आपके मूर्ति रखा है, गुरु के तो मूर्ति रखा है और गुरु के रखते हैं किंतु गुरु के आदेश पालन नहीं करते हैं। हाँ सुन, ये सब क्या है, सब गुरु ब्रुव में सब आ रहे हैं। जो पहले जो कहा गया गुरु ब्रुव शब्द की अर्थ गुरु ब्रुव, हाँ हाँ शिष्य ब्रुव, अभी गुरु ब्रुव दूसरी अर्थ हो जाएगी, शिष्य ब्रुव, हाँ यहाँ उल्टा कथा बोल दिया, थैंक यू है। अच्छा द्रोणाचार्य ने कहा बहुत अच्छी बात है, है बड़े आश्चर्य हो गए और किस ऐसे कुशलता से किसने बाण चलाया। अच्छा हाँ यहाँ पर मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं एकलव्य हूँ। फिर द्रोणाचार्य ने कहा बाण क्या बाम ये सब विद्या तुमने किससे सीखा, धनुर्विद्या कैसे सीखी? तुरंत और तुम्हारे गुरु कौन है? उसने द्रोणाचार्य के साष्टांग प्रणाम किया और कहा आप ही मेरे गुरु है। वे बोले मैं तो तुम्हें कभी ऐसे शिक्षा नहीं दी है। तो उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति दिखलाया जो प्रभु देखिए गुरुदेव आपकी मूर्ति के सामने ही है, मैं ये सारे अपने आप अभ्यास किया। द्रोणाचार्य तुरंत कहेंगे अच्छा बहुत अच्छी बात, तुम मेरे शिष्य हो ना? हाँ जी। तो शिष्य होने के क्या करना चाहिए? गुरु दक्षिणा दो है, गुरु दक्षिणा दो बस। कहने लगे गुरुदेव जो चाहे मैं देने के तैयार हूं है। एक लोग बने कहा गुरुदेव आप जो मांगेंगे जो चाहेंगे मैं दे दूंगा, आप चाहे हमारे शरीर और जो कुछ चाहें अब मैं आपके सब कुछ देता हूं है। द्रोणाचार्य ने कहा अच्छा अपना दाहिना अंगूठा काट करके मुझे दे दो है, इस हाथ में बंद चलाते हैं ना। बस एक लब्ब ने एक बहुत शानदार तलवार लिया और झट काट करके दे दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, इसी के लोग कहते हैं बोले एक लब्ब कितने बड़े गुरु भक्त है। इसलिए किसी किसी लोग जो है अपने शिष्य के नाम रख देते हैं क्या, एकलव्य है, एकलव्य दास है, हमारे संप्रदाय में नहीं है शायद है। इसलिए प्रभुपाद
और हमारे इस परम गुरु महाराज इसके बहुत और श्रील गुरुदेव इसके बहुत प्रतिवाद करते हैं, इसके दिखाते हैं। एकलव्य है, आप अपने बेटा के नाम रखोगे दुर्योधन है, रावण क्यों नहीं रखोगे, रावण नाम रख दो, आजकल भी रख सकते हैं, कली काल है ना, बोले क्या है? कोई भी नाम रख दो है। हाँ बात सही है, अभी समय हो रहा है, मैं समाप्त करता हूँ। देखो वास्तव इसलिए कहते हैं, तुरंत उसने सब कुछ सीख लिया है। क्यों द्रोणाचार्य उनकी अंगूठी क्यों ले लिया, द्रोणाचार्य जानते थे है, ये जो विद्या सीखा ये जगत के लिए और मंगलकारक है, मंगल नहीं हो गई ये दुष्ट दुराचार है। इस एक तो इसमें कोई परमार्थ नहीं है, है और वो युद्ध विद्या जो सीख लिया अपने इच्छा से जैसे हो, इसके फल क्या होगा, विश्व ध्वंस की कारण बन जाएगा है और भक्तों के कष्ट देगा। इसलिए द्रोणाचार्य ने उनकी अंगूठी ले लिया है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, वेद सोचने लगे कि यह अच्छा नहीं हुआ, जगत का मंगल नहीं होगा, बाद में महाभारत के अंतिम समय में एकलव्य ने कृष्ण के एक कृष्ण से युद्ध किया और उसको उनको पांडवों को मारना चाहा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनको वध कर दिया, एकलव्य के वध किया। हाँ एकलव्य के वध किससे द्वारा हुई, सुदर्शन चक्र के द्वारा है। देखो इतने दुष्ट हुए ऐसी कहीं की भी कथा बच्चों कहते हैं, बोले वो हाथ से तो चला नहीं पाते थे, बोले पैर की अंगूठी के द्वारा भी धनुष विद्या चलाते थे, इतना बड़ा हो गया था वो है। ऐसे कहें कि वैष्णव, मुझे तो पता नहीं है कहीं लिखा है कि नहीं है, कुछ वैष्णव लोग ऐसे कहते हैं, बोले उसके तो अंगूठी तो चला गया है, बाएं हाथ में धनुष ऐसे हाथ रखा और अंगूठी के द्वारा पैर के जो अंगूठी के द्वारा भी तीर चलाते थे, इतना बड़ा है। किंतु वो अंत में संग भगवान श्री कृष्ण है उनको सुदर्शन चक्र के द्वारा वध कर दिया है। गुरु की आज्ञा पालन करना ही तो शिष्य का कर्तव्य है। द्रोणाचार्य ने जगत के मंगल विचार मंगल का विचार करते हुए शिक्षा देने के देने से उनकी शिक्षा देने के मना कर दिया था, परंतु उसने गुरु की बात का उल्लंघन करके छल से शिक्षा ली। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत स्व प्रभुपाद कहते हैं, जो जड़ा कर्मी है वो तो एकलव्य के आदर्श गुरु सेवक रूप में मानते हैं। जैसे पहले में ही कहा, जगत के लोग कर्मीवादी लोग कहते हैं, देखो एकलव्य जैसे गुरु ऐसे कोई है, यहाँ तक भी लोग कहते हैं रावण जैसे वीर, रावण जैसे महात्मा, नवभूत भविष्य है। मैं कहता हूँ ठीक है, रावण तो सीता को हरण किया, और जिस दिन तुम्हारे बेटी के रावण हरण करेंगे तब तुम समझोगे है, है? रावण तो सीता को हरण किया, रामचंद्र ने उसको वध किया, और रावण यदि बड़ा हो बहुत अच्छी बात है, और तुम्हारे बेटी के जब किडनैप करेगी और दुराचार करेगी तब तुम कहोगे ये रावण सबसे कौन है, आप बताओगे तब। अरे दुष्ट दुष्ट ही रहता है, है खल के नहीं हो जाता नहीं है। इसलिए कहते ना कैला कैला होता है ना, कैला जो हजार अंगार सतधो होते न मलिनता न मुंचते, कैला जो है कोल जो है उसके हजार बार गंगा जल में उसके धो लो, वो कभी अपने कालापन जो है ब्लॉकेज जो है वो नहीं छोड़ेगा। और वही कैला को क्या करो, आग में दे दो वो कैला लाल हो जाएगा और उजाला भी देगा है। तात्पर्य क्या है, यदि उसके सदगुरु मिल जाए, दुष्ट भी व्यक्ति हो
यदि सदगुरु मिल जाए और सदगुरु के जो आदेश को पालन करे, नहीं पालन करे तो वही रहेगा है। तुलसीदास जी इसके बहुत उदाहरण दिया, जो आप लोग रामचरितमानस में लिखा है, है? तो इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद है कह रहे हैं है? जे एकलव्य जे जड़प जो जड़ कर्मी है वे तो एकलव्य के आदर्श गुरु सेवक रूप में मानेंगे, क्योंकि वे बड़ जड़ कर्मी है, उनकी बुद्धि ध्वंस हो गई है, उनमें कोई विचार शक्ति नहीं है, वो स्थूलदर्शी है। ऐसे जो लोग कहते हैं एकलव्य बड़े गुरु सेवक है, उसकी बुद्धि क्या हो गया, ध्वंस हो गया, मर गए है। इसलिए इस सिद्धांत के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते है। इसलिए इस घटना को परमार्थ इस घटना में कोई परमार्थ के नाम की कोई वस्तु नहीं है। कोई धनुर्विद्या में बड़ा हो गया तो उससे क्या होता है? किंतु भक्ति हमारे कैसे बढ़े है उसकी चेष्टा करना है। और सबसे बड़ी बात यह क्या है, हम गुरु के चरण में कैसे अपने को समर्पण करें है। जैसे गुरु चाहें ऐसे हम करें है। जैसे मान लो श्रील गुरुदेव सन्यास लेने के समय कहा कर दे, पहले तो श्रील गुरुदेव बावन गोस्वामी महाराज जी को बोले आप सन्यास लो, बोले इतने बड़े सन्यास नहीं। फिर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज ये दोनों बोले हम अभी जो गणे। तब श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के बुलाया, उन्होंने इतने सुंदर बताया जो गुरुदेव स्वयं कहते थे उनके मुखार जो श्रवण किया आप लोगों ने, हम लोग भी श्रवण किया। बोले गुरुदेव आप मुझे कपड़ा पहनाएं और कपड़ा नहीं पहनाएं, जैसे आप चाहें ऐसे करें है। तब इसके सुनकर के परम गुरु महाराज के हृदय द्रवीभूत हो गया। तब कहने लगे ठीक है सन्यास तुम्हें दोगे। तब ये दोनों ही फिर बोले ठीक है सन्यास लिए। ये सब विचार भी बहुत है, वो सब कथा जो है आप इस ग्रंथों में पढ़ो। क्या बोले परम गुरु महाराज की जीवन चरित्र जो है उसके विस्तृत रूप में नहीं जा रहा हूँ। तो उसी प्रकार कहते हैं सत्शिष्य उसके कहा जाता है जो गुरुदेव के जो है आदेश और उपदेश को माने। अगर नहीं मानते हैं वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आ जाते हैं। कितने आने वाले या जाने वाले, आया राम और गया राम है, आया राम गया राम की कोई, आया राम गया राम समझते कि नहीं, आने वाले जाने वाले कितने ही होता ही रहता है। इसलिए मैं भी सब वैष्णव निकट प्रार्थना करता हूँ मेरे हृदय में ऐसे जो भावना दुर्भावना दूर हो जाए और गुरु वैष्णव की सेवा करते रहूँ। वंशा करो दुर्भश्च कृपा सिंधु बेवच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।